शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे यही समझा जाता है कि जी वर्क फ्रॉम होम मीन्स के हाउसवाइफ्स हैं स्पेशली जिन्होंने कभी आज तक आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं, बिजनेस वुमन फॉर 3 आवर्स अपने बिजनेस कर रहे हो ना, उनको अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे मिलवाने वाला हूँ अपनी टीम की बहुत अजीम लीडर, जिनका नाम है मैम सईदा फरियाल। मैम सईदा फरियाल के बारे में छोटा सा इंट्रो आपको दे देता हूँ। मैम सईदा फरियाल एक सिंगल मदर हैं, माशाल्लाह से वो ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हैं और उसके साथ साथ अपनी ऑफलाइन जॉब भी कर रही हैं। तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ मैम सईदा फरियाल अली को। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम। ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो लुकमान? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं क्या हो रहा है आजकल। बस रमजान और रमजान, बस दैट्स इट। कैसा गुजरा है रमजान रमजान आप। जी, हमारे रमजान अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में अपने बिजनेस को टाइम देते हैं, रात के टाइम हम लोगों के पॉडकास्ट चल रही हैं जैसा कि आपको पता है, तो रात का टाइम हमारा सेशंस का टाइम होता है, कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का टाइम होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन डिफरेंट है रमजान का लेकिन मजे का है। जी मैम माशाल्लाह से, यहाँ पे मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन मेरा यह है कि माशाल्लाह से आप सिंगल मदर भी हैं और उसके साथ माशाल्लाह आप ऑफलाइन जॉब भी कर रही हैं, उसके साथ माशाल्लाह आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आप इनके साथ साथ आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं, कि आपने कोई शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैंने इतने घंटे अपने बिजनेस को देना है, इतने घंटे जॉब को देना है और इतने घंटे अपनी फैमिली को देना है। यस बिल्कुल लुकमान, देखो शेड्यूल और डिसिप्लिन होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, चाहे वो आपका पर्सनल काम हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल वर्क हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। डिसिप्लिन से अगर आप नहीं चलेंगे ना, आपका दिन वेस्ट हो जाता है, बेसिकली प्रोडक्टिव आवर्स बहुत कम रह जाते हैं आपके। तो शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि जी वर्क फ्रॉम होम मीन्स के अच्छा जी हम तो रिलैक्स होकर एक रिलैक्स एनवायरमेंट में कभी भी कहीं भी काम कर सकते हैं। यस दिस इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, लेकिन कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है आपको अपना दिन। मतलब मेरी जो टीम में जो हाउसवाइफ्स हैं स्पेशली जिन्होंने कभी आज तक आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं किया, कॉर्पोरेट जॉब नहीं की, उनको थोड़ा सा ना ये समझाना पड़ता है। मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि देखें, बेशक आप घर से काम कर रहे हैं लेकिन आप अपना एक कमरा, अगर एक कमरा अलग से नहीं है, आप बेशक उस कमरे में एक छोटा सा कोना अपना सेटअप कर लें, एक वहाँ डेस्क बनाएं, अपनी वर्क स्टेशन बनाएं, अपनी वर्क डेस्क बनाएं। उससे क्या होगा, आप खुद भी जो है ना वर्किंग जोन में आ जाते हो, आपका माइंड जो है ना उस वक्त ऐसे हो जाता है कि जैसे ओके नाउ आई एम अ बिजनेस वुमन फॉर 3 आवर्स, अब मैं अपना बिजनेस पे ध्यान दूंगी। वरना होता क्या है कि फैमिली में जितने लोग होते हैं, बच्चे, हस्बैंड, माँ बाप, जो भी आपके घर में है, वो आप क्योंकि आप घर में मौजूद होते हो ना, तो वो एक तरह से लोग लिबर्टी लेना शुरू कर देते हैं इस के ओके सिंस फरियाल इज एट होम शी इज अवेलेबल, अच्छा थोड़ा सा ये काम कर दो, थोड़ा बाहर का ये काम कर दो, वो कर दो, तो वो बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो भी होम बिजनेस कर रहे हो ना, उनको अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए पहले तो, कि जी ये मैं एक होम बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने वाली हूँ और लेट सपोज मैंने अपने आवर्स सेट किए हैं फ्रॉम 5 to 8 PM, ठीक है। अब घर वालों को मैंने ये कम्युनिकेट कर दिया है, अब घर वालों को भी पता है कि 5 to 8 PM जो है फरियाल के बिजनेस आवर्स हैं, इसमें फरियाल को डिस्टर्ब नहीं करना है। बिलीव मी, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई गेस्ट आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाते हैं, तो मैं उनसे मिलके और एक्सक्यूज करके, फिर अगर मेरी मीटिंग चल रही है या कुछ चल रही है, मैं एक्सक्यूज करके आ जाती हूँ, बिकॉज स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ योर बिजनेस देर आर नो एक्सक्यूजेस। अब हमारे बिजनेस में ना एक्सक्यूजेस की इन चीज़ों की गुंजाइश ही नहीं है, हमने बहुत सीरियसली लेना है। होम बिजनेस को लोग यही समझते हैं कि वही बात है घर से काम करना, लेकिन इसको कैजुअल आप लेते रहेंगे तो आपकी कैजुअल इनकम ही आएगी, सही है। अगर आप सीरियस लेंगे इसको तो वाकई जो इस बिजनेस का पोटेंशियल है कि ये दिस कैन मेक यू इनटू अ मिलियनेयर, 6-figure इनकम आप कमा सकते हो, लेकिन ये सीरियस इनकम हासिल करने के लिए ना आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने मुझसे पूछा तो यस आई एम अ सिंगल मदर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, तो पूरी मेरी कोशिश है कि मैं जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाऊं, और उसमें होता ही है मेरे माँ बाप हम लोग सब साथ रहते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मेरा सपोर्ट सिस्टम है। और इसमें जो है देखें वही बात है कि दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर मी कि मैं अगर एक सिंगल मदर हूँ तो अच्छा जी मुझे बच्चों को भी देखना है, मुझे पेरेंट्स को भी देखना है, मैं जॉब भी करूँ तो मैं ये कैसे करूँ, नो हरगिज़ नहीं। इफ आई नो दैट आई एम द प्रोवाइडर ऑफ द हाउस, इट मीन्स कि मुझे हर चीज़ को ना जहन में रखते हुए हर चीज़ को प्लान आउट करना है, प्लान आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने पूछा कि मैं दिन के घंटे किस तरह अपने डिवाइड करती हूँ, मेरी जो जॉब है वो फुल टाइम नहीं है, इट्स अ पार्ट टाइम जॉब।
और मजे की बात ये कि कोविड के बाद से मैं घर से कर रही हूँ, वर्किंग फ्रॉम होम, तो वो एक आसानी अल्लाह ताला ने खुद ब खुद पैदा कर दी कि घर से काम कर। उसके बाद फिर पहले तो मैं फुल टाइम ही कर रही थी, लेकिन कोविड में हमारे आवर्स जो है कट डाउन हो गए थे, सैलरी भी कट डाउन हो गई थी। तो अब उस दौरान मैं ऑनलाइन बिजनेसेस के सर्च में थी, तो मैंने अमेजोन पे भी वर्किंग मैंने कोर्सेस वगैरह किए। वो मुझे बहुत, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी चैलेंजिंग, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अमेजोन पे फ्रीलांसिंग मैं बिल्कुल करती रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। वो एक अच्छी चीज़ थी, मज़ा आता था मुझे, मेरा मेरा पैशन है मार्केटिंग, लेकिन उसमें भी ना फुलफिलमेंट नहीं मिल रही थी मुझे। मैंने सोचा कि डिजिटल का ही दौर है, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स इतने ज़्यादा डिमांड में है। तो जब मुझे FLP का पता चला ना, मैंने कहा यही स्किल्स मैं अपने लिए क्यों ना इस्तेमाल करूँ। मैं स्किल्स मेरे हैं और बिजनेस दूसरे का था, लेकिन अब स्किल मेरा है और बिजनेस भी मेरा है, मैं अपने लिए अब एक एसेट बिल्ड कर रही हूँ। तो इस चीज़ की ना इंपॉर्टेंस मुझे पता चल गई। अब क्या हुआ कि जॉब मेरी ऑलरेडी पार्ट टाइम तो हो ही गई थी, साथ ही मैंने FLP को स्टार्ट कर दिया। तो अब इसमें ये होता है कि शुरू के जो है फ्यू आवर्स दिन के, मैं एक तो अर्ली उठ जाती हूँ, दिन के फ्यू आवर्स मेरे जो है जॉब के होते हैं, समझ लें आप, आफ्टरनून तक, और उसके बाद पूरा मेरा टाइम FLP का होता है। उसके बीच में मेरी बेटी को पिक एंड ड्रॉप करना स्कूल से, उसका लंच देना, उसके डिफरेंट जरूरियात का ख्याल करना, माँ बाप को टाइम देना उनके, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत आराम से मैनेज हो जाती हैं। आपके पास बेसिक चीज़ ये है, आपके पास एक डायरी, एक नोटपैड हो, ठीक है, आपके पास जो है ना अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैजुअली कर रहे हो काम को, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके करें, हर चीज़ बहुत आराम से मैनेज हो जाती है। जी मैम, मैं आई थिंक जो बोल रहे थे कि लोग होते हैं उनके एक्सक्यूज होते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम स्टडी कर रहे हैं, साथ में हम बिजनेस कैसे करेंगे, या फिर हम हाउस वाइफ हैं, हम को देखेंगी या फिर बिजनेस करेंगी, हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे उनको आंसर मिल गया होगा इस बात का कि आप अगर एक प्लानिंग के साथ करते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यही बात होती है बिल्कुल मैम। और तो बिल्कुल मैम की बात है कि डेली जिम भी जाती है 1 घंटा मैम, अपना जिम निकालती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक वन ऑफ द रीजन ये भी था FLP को ज्वाइन करने का कि हेल्थ एंड वेलनेस इज माय पैशन, और फिटनेस की तुमने बात कर दी। हाँ, मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा टाइम सिर्फ मेरे बिजनेस और मेरे फैमिली के लिए है। अपने लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कल्चर में ना स्पेशली लेडीज अपने लिए टाइम नहीं निकालती, हस्बैंड के लिए टाइम डेडिकेट कर देंगी, बच्चों के लिए टाइम डेडिकेट कर देंगी, अपना नहीं सोचती, ठीक है। तो खास तौर पे मैं उन फीमेल्स को जो है ज़रूर इस चीज़ के लिए इनकरेज करूंगी कि अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। मेरा जो 1 घंटा जिम का होता है ना, यकीन जानो लुकमान, वो यस फिटनेस के लिए तो है ही, लेकिन वो मेरा मी टाइम होता है। मैं उसको कहती हूँ दैट्स माई मी टाइम, ठीक है। अब वो जी मैंने करना ही करना है, क्यों? क्योंकि मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं एवरी डे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कर रही हूँ। तो ये बहुत जी मैम, इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल से हस्बैंड्स को भी समझना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। पता क्या होता है, यूजुअली जो खवातीन है ना, वो जब हम उनको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट भी करते हैं, तो उनके हस्बैंड्स जो है आगे से ये रीज़न देते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारी तो सारी ज़रूरियात पूरी हो तो रही हैं। तो अगेन यहाँ पर आ जाता है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस या करियर जो है ना स्टार्ट करें खवातीन, ज़रूरी नहीं है कि पैसे की नीड हो तो ही स्टार्ट करें। बेशक आपके पास पैसे हैं, बेशक आपके हस्बैंड्स, आपके फादर्स आपकी बहुत अच्छी टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन एक होती है इंडिविजुअलिटी, अपनी अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाना, ठीक है। और हमारे बिजनेस में ना सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपने लिए तो पैसा कमा ही रहे होते हो, एसेट बना ही रहे होते हो, लेकिन हमारा बिजनेस है गिविंग, गिविंग का बिजनेस है। तो हम दूसरे को भी इनेबल कर रहे होते हैं, दूसरे की लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ना कि किसी के काम आ जाना, ये जी मैम, बड़ा फुलफिलमेंट आपको देता है। और मैं इसीलिए इनकरेज करूंगी खवातीन को कि इस मतलब इस बिजनेस में, पता है क्या लुकमान, मुझे ना मुझे थकावट नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि इवन माई बिजनेस इज ऑल्सो समथिंग विच इज आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द कम्युनिटी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर इसको समझ के किया जाए तो मेरे ख्याल से तो हर फीमेल्स को स्पेशली हर फीमेल को जो है ना इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, और एटलीस्ट नॉलेज ज़रूर लेनी चाहिए हमारे बिजनेस की। जी मैम यही बात है कि अगर आप अपने लिए काम करेंगे, बेशक वो आप 10 घंटे लगे रहें, लेकिन आपको कोई थकन नहीं होती, क्योंकि वो आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं, अपना एसेट बिल्ड कर रहे होते हैं।